किसी भी जीव के जिंदा रहने में अहम भूमिका होती है उसके दिल और लगातार उससे पंप होने वाले रक्त या फिर खून की। इसका बहाव इतना तेज होता है कि एक छोटा सा कट लगने पर भी अच्छी मात्रा में खून बह जाता है। खून का सही प्रवाह और उसका रंग भी आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि खून का रंग लाल होता है, लेकिन क्या धरती पर मौजूद सभी प्राणियों का रक्त लाल रंग का ही है? आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी बताएंगे। अक्सर हमने सुना है कि खून तो सबका ही लाल होता है, ऐसे में हम आपको आज ये बताएंगे कि खून सिर्फ इंसानों का ही लाल होता है, वरना इसके और भी रंग हैं जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो खून हमारी नसों में दौड़ रहा है वही ऑक्टोपस, केंचुए या फिर जोंक के शरीर में भी बहता हो। अगर ऐसा होता तो भला मरीज को खून चढ़ाने के लिए हमें इंसान की ही जरूरत क्यों होती? हम इंसान हैं और हम अपने जैसे ही लोगों या फिर कुछ ऐसे जीवों को जानते हैं जिनका खून लाल रंग का है। इंसानों के अलावा जो कशेरुकीय यानी कि वर्टब्रेट्स हैं, उनके खून का रंग लाल होता है। इसकी वजह हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो रक्त में बहता है। इसमें मौजूद हैम में लौह अयस्क होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसे लाल बनाता है। ये तो बात रही कशेरुकीय प्राणियों की। इनके अलावा कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके खून का रंग नीला, हरा और बैंगनी भी होता है। नीले रंग का खून आमतौर पर समुद्र में पाए जाने वाले जानवरों, ऑक्टोपस, स्क्विड, मोलस्क, क्रस्टेशियन और स्पाइडर्स यानी मकड़ियों में होता है। इनके खून में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन बहता है। इस सब कंटेंट में लौह के बजाय कॉपर यानी तांबे की मात्रा होती है जो ऑक्सीजन से मिलते ही खून को नीले रंग में बदल देती है। अब यहाँ क्लोरोफिल की वजह से खून का रंग नहीं बदलता, बल्कि कुछ छोटे छोटे जीवों के खून में क्लोरोक्रुओरिन की मात्रा पाई जाती है। यूँ तो ये हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता सब कंटेंट है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही गहरे हरे रंग का हो जाता है। ये आमतौर पर शरीर को तोड़ लेने वाले कीड़ों जैसे केंचुआ, जोंक और समुद्री केंचुआ में पाया जाता है। समुद्र में रहने वाले कुछ खास कीड़े जैसे पीनट वर्म, पीनस वर्म और ब्राचियोपोर्स के खून में हेमेराइथ्रिन की मात्रा होती है। ये हीमोग्लोबिन की तुलना में काफी कम ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यूँ तो इसका कोई रंग ही नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये बैंगनी या मजेंटा रंग का हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक जरूर करना। अंकित शाह शॉर्ट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसी है इंटरेस्टिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद।